हर एक स्टूडेंट्स अपना अपना अलग सा स्ट्रेटजी प्लान करता है एंड उसके ऊपर ही उसका रिजल्ट मैटर करता है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स कौन से हालात से जाके एग्जाम दिए, कहां से जाके ये लोग उस लेवल तक पहुंचे, कैसे वो लोग इस चीज मुकाम तक पहुंचे, वही आज आप लोगों के सामने। आपके बारे में आपके ऊपर डायरेक्ट ब्लेम आ रहा है कि फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं। बेसिकली फिजिक्स पे फोबिया रहता है सर ज्यादातर स्टूडेंट्स का, पर यास बैठा है, वो लगभग फिजिक्स पढ़ना ही छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ क्वेश्चन। मैं यहाँ पे आज जिनको भी यहाँ पे बुला रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वो लोग टॉपर्स है कहीं से, एक एवरेज स्टूडेंट उनको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस जहां से वो लोग और अच्छा कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, लाइक जैसे कि आप लोगों को पता है कल नीट का रिजल्ट निकला है और हर बार की तरह साइनअप्स अगरतला से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं। बट मैं हमेशा बोलता हूँ रिजल्ट टीचर्स के लिए बहुत बेहतरीन होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये, बट सिर्फ टीचर्स के ऊपर रिजल्ट डिपेंड नहीं करता है और ये कभी ना करा। ये स्टूडेंट्स के डेडिकेशन, हार्डवर्क, ये मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक स्टूडेंट्स अपना अपना अलग सा स्ट्रेटजी प्लान करता है एंड उसके ऊपर ही उसका रिजल्ट मैटर करता है। और ये रिजल्ट जो बने ना, आप लोग देखेंगे कितने कम मार्क्स से इतने हाइक हुए हैं। मैं स्टेट त्रिपुरा बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे मेरे ऑल इंडिया रैंकिंग बहुत ज़्यादा होंगे डेफिनेटली, बट फिर भी स्टेट कट ऑफ से मेरे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स यहाँ पे स्टेट कॉलेजेस में मिल जाएंगे। बट जो भी है, मैं डेली ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे तो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, बट मैं यहाँ पे जिस चीज़ के मैं बात करूँ, हार्डवर्क, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, कुछ कुछ स्टूडेंट्स कौन से हालात से जाके एग्ज़ाम दिए, कहाँ से जाके ये लोग उस लेवल तक पहुँचे, कैसे वो लोग इस चीज़ मुकाम तक पहुँचे, वही आज आप लोगों के सामने। वो लोग साइनअप से भरे हैं, रिजल्ट किए, उसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आई एम कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन देयर स्ट्रगल, दैट यू गाइस शुड रिलेट their struggle with you all। आप लोगों ने जैसे स्ट्रगल किए हैं उसके साथ इनका एक कनेक्शन मिले, आप लोग रिलेवेंसी ढूंढ के मिले उनके साथ, जुड़ जा उनके साथ, एंड देन यू कैन वर्क फॉर इट। उसी चीज के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग आज पहले ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, शाहीन शील शर्मा त्रिपुरा से हैं, जिनको 625 स्कोर मिला है, और उसी के ऊपर उसके साथ हम लोग बातें करेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, देखेंगे वो अपना प्रिपरेशन कैसे किए हैं और वो आपके साथ कैसे मैच कर पाए, ठीक है। सो मैं बुलाता हूँ शाहीन को। शाहीन प्लीज। तो इज ए शाहीन शील शर्मा, इस बार नीच में उसने बहुत बढ़िया किया है, 625 स्कोर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन शाहीन। तो लाइक आपने कहाँ से किया एंड ऑल, मैं बाद में आऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिजल्ट करने का जो मोटिवेशन है वो आपको कहाँ से मिला? वो तो आपसे ही मिला, वो तो सही है, लेकिन मैंने शायद क्लास 3 से एक ही सपना था कि डॉक्टर बनना था, तो इसलिए मैंने ये नीट दिया। और पिछली बार मार्क थोड़ा कम आया था, 400 जैसा आया था, इस बार मैंने 625 स्कोर किया है, और सर ने बहुत ही सपोर्ट किया है मुझे, सर के टेस्ट बहुत ही सही थे। उसने तो बोल दिया सर के ऊपर सर, भाई सर मतलब ऊपर वाला सर नहीं है, ये सर ही होगा। बट मैं लिटरली बोलता हूँ, मेरे से जितना भी बना मैं किया, बट पूरा का पूरा मेहनत उसका ही था। तो मैं शाइन वही पूछना चाह रहा हूँ आपसे, लाइक आप जो प्रिपरेशन किए वहाँ पे लास्ट ईयर में 400 के करीब स्कोर था, इस बार वो 625 मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 220 स्पाइक किया स्कोर। तो ये जो स्कोर अप गया, इतना ऊपर गया, तो ये आप सोचे थे पहले कि लाइक इस बार रिपीट करूँगा तो इतना जाना, या उससे कम हो सकता है, श्योर नहीं हो कितना मिलेगा, मतलब हाउ फॉर दैट, हाउ यू कनेक्ट दोज मार्क्स दैट 200 एंड ऑल? मेरा तो पहले से ही टारगेट था कि 600 प्लस जाना हुआ है, क्योंकि 600 प्लस थोड़ा सेफ स्कोर रहता है। इधर AGMC का काट ऑफ पिछली बार शायद 330 समथिंग गया था, तो इस बार मैंने मेरा टारगेट ही था कि 600 प्लस स्कोर करना है, तो यही है टारगेट पहले से 600। फाइन, तो उसने तो अपना टारगेट पहले सेट कर लिया था एंड दैट अकॉर्डिंगली उसको स्कोर भी मिला, बहुत बढ़िया है।
तो यहाँ पे और एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, लास्ट ईयर जैसे कि 620 स्कोर में ऑल ओवर इंडिया का रैंक था 620,000 के करीब, तो वहां से भी लास्ट ईयर बच्चे लोगों को ऑल इंडिया का मतलब मॉप अप तक मिल गया था, बट इस बार इसको 625 मिला है, बट फिर भी मैं उसको बोल नहीं पा रहा हूँ भाई तुझे ऑल इंडिया मिलेगा, मतलब इसको अल्टीमेटली स्टेट के सीट्स में ही आना पड़ेगा, या तो स्टेट के आसपास जो नॉर्थ ईस्ट कोटा के सीट्स है उसमें शायद उसका थोड़ा एक रैंक हो जाएगा, मतलब सीट बन जाएगा, बट आई एम वेरी मच अनफॉर्चुनेट फॉर हिम, लाइक आफ्टर डूइंग दैट मच हार्ड वर्क ही इज नॉट एबल टू क्लियर दैट ऑल इंडिया कोटा, बट जो भी है हम लोग एंजॉय करेंगे इस जर्नी को, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पीजी में कौन क्या कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे शाहीन और एक चीज़ पूछना था कि आपके जूनियर्स को आप लोग आप कैसे क्या बोलना चाहेंगे, मतलब कैसे उनका प्रिपरेशन होना चाहिए, जो लोग इस बार रिपीट कर रहे हैं फिर से सोच रहे हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो लाइक आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, मतलब कैसे करना चाहिए प्रिपरेशन, किस लेवल तक करना चाहिए, या आपने उस प्रिपरेशन को कैसे एग्जीक्यूट किया था? अगर इधर साइनस में पढ़ते हो तो सार के सारे टेस्ट देने चाहिए, तो सार के कोई भी टेस्ट कीप ना करें, क्योंकि टेस्ट देने से ही आपको अपना इवेलुएट कर सकते हो, तो इसलिए टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि लास्ट टाइम लास्ट मंथ पे सबसे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए बायो में, क्योंकि बायो वो रट्टा जैसा होता है थोड़ा, तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहता है, तो लास्ट मंथ में बायो में सबसे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। पिछली बार मैंने बायो में कम फोकस किया था, इसलिए मेरा मार्क्स बायो में कम आया था, इस बार मेरा बायो में थोड़ा अच्छा ही है, 341 आया है इस बार। वेरी गुड, अच्छा मार्क्स मिला, 341 इज़ नॉट एन बैड स्कोर, इज़ वेरी गुड स्कोर, बट उसका और होना चाहिए था, मतलब एक दो क्वेश्चन को उसको सिली मिस्टेक किए थे उसको ने, लाइक वो छूट गया मार्क्स। शाहीन और एक चीज़ है, मतलब आपने तो लास्ट में नीट प्रेप का टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया था, तो ये नीट प्रेप का टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विथ साइनअप्स टेस्ट सीरीज आपको कितना हेल्प किया, मतलब स्कोर को बूस्ट करने में? नीट प्रेप का टेस्ट सीरीज जो है ना वो थोड़ा नीट लेवल का ही है, उतना जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट के भी टेस्ट रहते हैं, लेकिन वो थोड़े आउट ऑफ एनसीईआरटी रहते हैं या फिर बहुत ही ऊपर लेवल के रहते हैं। नीट प्रेप का ऐसा है कि बहुत ही एनसीईआरटी के अंदर से क्वेश्चन रहता है, मतलब पूरा एकदम एक्सट्रैक्ट करके लेता है और नीट प्रेप क्वेश्चन जो है ना टेस्ट में, और क्वेश्चन सारे ऐसे ही नीट लाइक थे, तो यही रिलेवेंट थे बहुत नीट प्रेप के, और साइनस के भी क्वेश्चन बहुत सही थे। साइनअप्स का भी टेस्ट मैंने पूरे साल दिया है, साइनअप्स टेस्ट सीरीज का, और नीट प्रेप का मैंने लास्ट मार्च में लिया था शायद, हाँ लास्ट थ्री मंथ्स में लिया था नीट प्रेप का, और साइनअप्स का पूरे साल का। वेरी गुड, तो मतलब वो नीट प्रेप का भी हेल्प लिया, साइनअप्स का भी लिया, तो लाइक अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों को, नीट प्रेप एंड साइनअप्स, आप आउट ऑफ 10 दोनों को क्या क्या मार्क्स देंगे एज पर नीट? नीट के हिसाब से नीट प्रेप का होगा अराउंड 9 और साइनअप्स का होगा अराउंड 8.5 और 9, ऐसा ही होगा, क्योंकि साइनअप्स का थोड़ा लेवल थोड़ा ज़्यादा रहता है साइनअप्स का, वो मैंने मुझे लगा था। नहीं, वो शायद बड़ा होके पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा, वो आंसर में कुछ डिप्लोमेटिक आंसर होता है, मतलब किसी को छोटा नहीं कर रहा है, सबको इक्वल रख रहा है, अच्छा है, बट वो पॉलिटिकल आंसर हो गया, बट फिर भी सही आंसर, मतलब उसने अपना ट्रुथ आंसर दिया है। और एक चीज़ डेफिनेटली देखो, एक बच्चे का परवरिश एंड लाइक उनका मार्क्स इंक्रीज करना एंड ऑल दैट, घर में कितना सपोर्ट मिला तुम्हें अपने मम्मी पापा से एंड ऑल दैट रिलेटिव्स, घर में कितना सपोर्ट मिला, जो एक स्टूडेंट के मोरल बूस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वहाँ पे कितना सपोर्ट मिला था, मतलब कितना कैसे वो लोग सपोर्ट किया तुम्हें? घर में तो मेरे मम्मी पापा ऐसे थे कि वो लोग मेरे पढ़ाई को लेकर ज़्यादा नहीं बोलते थे कि अभी पढ़, अभी ऐसा कर, अभी वो ट्यूशन जा, मतलब मैंने ही खुद से किया है जो भी किया है, वो सिर्फ मैं रात को जागता था थोड़ा, क्योंकि मैं सुबह नहीं उठ पाता था, तो इसलिए मम्मी पापा भी बहुत सपोर्ट किया है उतना ज़्यादा डाटा नहीं है, और थोड़ा बहुत डाटा है वो तो होता ही है, ब्राउन पेरेंट्स है ऑफकोर्स होता है। यहाँ पे मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, शाहीन जब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा था लाइक लास्ट मंथ प्रिपरेशन में, उस टाइम पे उसके घर में एक इंसिडेंट हो गया, उसके पापा का स्ट्रोक हो गया था, एंड दैट वो एक बहुत हार्ड टाइम था, बट फिर भी वो उस टाइम पे अपने आप को स्टिक रखा, प्लान किया, इवन एग्ज़ाम डे में भी
उस वो अपने पापा को लेके एग्ज़ाम में गया था, उनके पापा लाइक पूरा दिन गाड़ी में ही बैठे थे लाइक वो एग्ज़ाम दे रहा था, मतलब दैट वॉज एन कनेक्ट एंड सॉफ्ट पार्ट था एक, बट उस जगह पे भी वो अपने आप को छोड़ा नहीं, मतलब पूरा बना रहा, डटा रहा। एंड जो भी इस बार वाला स्कोर है शायद उसको इस बार हम लोग कैलकुलेशन जो कर रहे हैं उसको नॉर्थ ईस्ट कोटा में रिम्स मिलना जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कोटा में 10 सीट्स होते हैं और उस 10 सीटों में से अगर हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे 10 सीट का, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग प्लानिंग करें 10 सीट में, सो वहाँ पे आसाम वगैरह इंक्लूड होता है, बट फिर भी एज पर ही स्कोर उसको मिल जाना चाहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट शाहीन फॉर योर अपकमिंग ब्राइट फ्यूचर एंड स्टे कनेक्टेड विद अस, एंड कभी भी अगर हेल्प लगे तो स्टूडेंट्स को हेल्प करना, मोटिवेट करना, तो लाइक जैसे और एक डॉक्टर आपके जैसा यहाँ पे निकल जाए, और वो बेसिकली कोमलपुर से बिलोंग करता है, तो कोमलपुर में भी उनके जितने भी फैन फॉलोइंग्स है, अभी तो हो जाते हैं ना, मतलब डॉक्टर बन गए तो फैन फॉलोइंग्स बहुत हो जाएंगे, तो उनको फॉलो करो, उनके साथ बातें करो, और जो भी हेल्प लगे डेफिनेटली वी आर देयर। और शाइन जैसे ऐसे और कुछ अच्छे बडिंग डॉक्टर्स अगर हम लोग निकाल पाए तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो स्टे ट्यून विद अस एंड इट्स बीन वेरी कांग्रेचुलेशन टू यू, जाइए शाइन अपना, अभी तो आप अपना लाइफ है, मोबाइल यूज़ कीजिए और फ्रेंड्स विल बनाइए बहुत, बस लाइफ अभी आपका है। थैंक यू शाइन। हाँ, तो जैसे कि हम लोगों ने इंटरव्यू लिया था शाहीन से, अभी हम लोग जाएंगे स्नेहा भौमिक, जो वो मेलाघोर से बिलोंग करती थी, और वो मेलाघोर के एक बंगाली मीडियम स्कूल है वहाँ से ही वो आई, एंड आके पूरा अपने प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम पे की, एंड इंग्लिश एनसीईआरटी पूरा बुक की एंड ऑल दैट, और जम के प्रिपरेशन की एग्जैक्टली एज पर ओएमआर। यहाँ पे मेरा एक डाउट है, एज पर ओएमआर एंड ऑल दैट वो जब काउंटिंग की थी, स्कोर चेक की थी, उसका 575 स्कोर आ रहा था, ओएमआर मैंने भी देखा 575 ही आ रहा था, बट अल्टीमेटली जब रियल स्कोर आया वो 558 हो गया, तो पता नहीं है। एंड हम लोगों ने बहुत अच्छे से, क्योंकि हम लोगों के पास भी स्कैनर है, हम लोग भी स्कैनर से ही हम लोग अपने टेस्ट सीरीज के पेपर्स चेक करते हैं, तो वहाँ पे भी मैंने चेक किया था उसका, उस अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे 575 ही आ रहा था, बट वो पता नहीं उनके यहाँ पे कैसे वो 558 हो गया। तो ये नीट NTA वाले ही बता पाएंगे, अभी ये तो मेरा डाउट है, बट anyway 575 558 लाइक लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, इन सब स्कोरों से ऑल इंडिया के एम्स दैट इज़ 2023 में, तो 22 में एम्स आ रहे थे इस नंबर पे, एंड 2023 में इस नंबर से अच्छे खासे बाहर के कॉलेज भी आ जा रहे थे, बट इस बार इस नंबर में कैटेगरी रैंक वो SC है, SC कैटेगरी में आती है, तो इस रैंक में उसका भी अराउंड 5000 के रीन उसका ऑल इंडिया रैंक है, तो बहुत अच्छा कॉलेज नहीं आएगा, कलकत्ता के RJ कॉर एंड ऑल दैट दैट शी कैन अप्लाई फॉर इट, बट आई डोंट थिंक सो कितना कुछ हो सकता है, बट anyway, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन स्नेहा फॉर योर ग्रेट अचीवमेंट, एंड लाइक वट एवर मार्क्स यू हैव अचीव, लाइक इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क, योर पेरेंट्स वर्क, डेफिनेटली तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है, तो थोड़ा बताओ अपने जर्नी के बारे में, मतलब कितना स्मूथ था या कितना टफ था, रफ था, कैसे किए पूरा जर्नी, मतलब लास्ट ईयर तो शुम शायद 330-340 कुछ स्कोर किए थे, तो इस बार तो 550 मतलब ऑलमोस्ट 220 प्लस स्कोर हाइक किया है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो जो भी है, मतलब इस पूरे हाइक में जो सेम क्वेश्चन मैंने लास्ट शाइन से पूछा था, मतलब कैसे तुम सोचे कि नहीं मुझे इस कोर्स से रिपीट करना चाहिए, और मतलब मेरा हो जाएगा अगर रिपीट करूँगा तो, या मतलब कैसे क्या कुछ मैनेज किया सब कुछ? मेरा तो पहले ही डॉक्टर बनने का, जब मैं छोटी थी तब हमारे विलेज में एक डॉक्टर था, तो उससे ही मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। मेरा फास्ट अट्रैक्शन था स्टेथोस्कोप, सो मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता था। तब मैं जब मेला घर आया था तब ऐसा भी कुछ कोचिंग वोचिंग नहीं था, पर हमारे यहाँ का एक सब बोलते थे कि हम 12 देकर कुछ कर लेंगे ऐसा वैसा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था तब, तो हम इतना बहुत कुछ नंबर भी नहीं मिला। उसके बाद अगरतला आया तो साइनअप्स में ज्वाइन किया, तो सर ने बहुत मोटिवेशन दिया कि ऐसे वैसे करना है, ऐसे करना है तो इतना प्रैक्टिस करना है तो ऐसा मिलेगा, तो सर से बहुत मोटिवेशन मिला।
तो स्नेहा तुम जैसे बोली कि लाइक हाँ तुम अपने लैंग्वेज में बता सकते हो, कोई इशू नहीं है, बाकी सब लोग यहाँ पे जो है सब नॉर्मल लोकल लैंग्वेज समझ जाएंगे, तो मैं जस्ट अपने क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ तो तुम अपने हिसाब से आंसर देना। तुम जैसे बोली कि लाइक हाँ वहाँ पे प्रिपरेशन नहीं मिला, मेलागौर में था नहीं उतना कुछ खास अगरतला में आके, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि लाइक मेलागौर में क्या लैक था जहाँ से तुम कनेक्ट नहीं कर पाई, और अगरतला आके तुम्हें क्या प्लस मिला जहाँ पे तुम कनेक्ट कर ली, वो थोड़ा बताना थोड़ा। मेरा घर में प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं होता था, ऐसे कि वोट के हिसाब से ही चलती थी, तो यहाँ पर सर बहुत प्रैक्टिस कराते थे, डेली एग्जाम्स, दैट्स ऑल। तो उसने ये देखा कि लाइक वहाँ पे उतना पढ़ाई वढ़ाई सब जगह सेम ही होता है, सर लोग सब अच्छे होते हैं, मतलब वहाँ पे वो उतना प्रैक्टिस उसको नहीं मिला था, एंड लाइक अगरतला आने के बाद साइनअप्स में ज्वाइन करने के बाद उसको बहुत सा प्रैक्टिस मिला एंड ऑल दैट, उसने अच्छा भी किया वहाँ से, रिजल्ट हम लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि उसका स्कोर अराउंड बायो में अराउंड 340 के करीब है एंड केमिस्ट्री फिजिक्स मिला के स्कोर आया है, तो वो थोड़ा फिजिक्स में पहले से थोड़ा हिचकिचाहट था, तो उसके लिए उतना कुछ खास स्कोर नहीं गया, केमिस्ट्री एंड बायो में अच्छा की एंड लाइक स्कोर अच्छा की उसका यहाँ पे। तो टेस्ट सीरीज जो था यहाँ पे एग्जैक्टली जैसे शाइन बोला था कि लाइक ओ ये साइन अप का डिसीजन थोड़ा हार्ड होता है एंड ऑल, लाइक 8.5 to 9 एंड नीट प्रेप का वो 9 था, मतलब वो डिप्लोमेटिक आंसर था एक, बट वही यहाँ पे मैं स्नेहा से पूछूंगा। स्नेहा बेसिकली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्नेहा रेगुलर कोर्सेज में टेस्ट सीरीज सिर्फ साइनअप का ज्वाइन की थी शायद, राइट? तो हाँ वही शायद ज्वाइन की थी। तो ये जो साइनअप्स का टेस्ट सीरीज तुम ज्वाइन की थे, मतलब ये तुम्हारे एग्जाम रिजल्ट में कितना कुछ रिफ्लेक्ट किया, मतलब कितना हेल्प किया? साइनअप्स का टेस्ट सीरीज तो बहुत ही अच्छा था, कुछ हाई लेवल था, बहुत ही हार्ड, मैंने मुझे हार्ड लगता था, मैं फिजिक्स में बहुत ज़्यादा आंसर नहीं कर पाता था कि 7-8 क्वेश्चन, बट फाइनली अच्छा ही गया। अच्छा अभी मैं थोड़ा फिजिक्स सर को भी बुलाऊंगा यहाँ पे, तो सर थोड़ा आइए यहाँ पे और आप भी थोड़ा बोलिए, मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है हम लोगों का यहाँ पे लाइक वो आप कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब क्वेश्चंस इसी पैटर्न के होने चाहिए नीट पे टू जस्टिफाई एवरीथिंग, और लाइक इसमें कुछ चेंजेस होंगे इस बार के जो टेस्ट सीरीज होने वाले हैं। थोड़ा स्नेहा इस तरफ आ जाइए तो सर भी आ जा सकते हैं। तो वही है कि लाइक अगर हम लोग वही देख रहे हैं कि इस बार कैसे होंगे, या जैसे कि उसने बोला एक स्नेहा ने कि हम सिर्फ उसके साइनअप्स के पेपर के ऊपर बेस्ड थे, तो लाइक थोड़ा सर आइए। तो इस बार राहुल सर हैं जो हम लोग यहाँ पे फिजिक्स करवाते हैं और बहुत ही बढ़िया टीचर हैं, लाइक मैक्सिमम टी स्टूडेंट्स यहाँ पे सर राहुल सर के साथ कनेक्टेड है। तो वही है, मतलब सर आप भी बताइए कुछ, इन लोगों ने जो बता रहा है कि लाइक आपके बारे में आपके ऊपर डायरेक्ट ब्लेम आ रहा है कि फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं, तो सही में टफ होते हैं या ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन होने चाहिए नीट में जो इस बार के पेपर में शायद कुछ रिलेवेंट हो? सर बेसिकली सर फिजिक्स का जो क्वेश्चन का लेवल है देखा गया इस बार भी नीट पे, सेक्शन ए वॉज लिटरली समवॉट ईजी एज कम्पेयर टू सेक्शन बी, उस सेक्शन पर थोड़ा ट्रिकी भी क्वेश्चन आए हैं। बेसिकली फिजिक्स पे एक फोबिया रहता है सर ज़्यादातर स्टूडेंट्स का, जो लोग रिपीट करते हैं उनका भी, जो लोग नया फ्रेशर्स होके 11 पे आता है उनका भी एक फोबिया रहता है, अलग सा एक फोबिया रहता है क्योंकि फिजिक्स कुछ सब्जेक्ट ही ऐसा है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का फोबिया रहता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो साइनअप्स का जो क्वेश्चन का लेवल था पिछले साल भी और इसके आगे के साल भी, हाँ हम मानते हैं कि फिजिक्स का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई क्वेश्चंस का लेवल था, लेकिन देखा जाए तो एनटीए के हिसाब से हर साल फिजिक्स का क्वेश्चन का लेवल जो है ये थोड़ा पिछले 5 साल के आगे से अगर कंपेयर करें हम, तो अभी का जो साल है अभी का जो ईयर्स है उस पर फिजिक्स का लेवल का क्वेश्चंस का लेवल का थोड़ा लेवल ड्रॉप हुआ है, तो हम भी उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। हम इस साल से फिजिक्स का क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा बहुत मॉडरेट रखेंगे, उतना भी हार्ड नहीं रखेंगे, क्योंकि लास्ट साल जो हुआ था फिजिक्स का नंबर इधर पर साइनअप्स के टेस्ट पे बहुत ही कम आता था, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स जैसे कि इधर पर यश बैठा है वो लगभग फिजिक्स पढ़ना ही छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, कुछ कुछ जगह पर उसने बहुत सिर्फ इधर ही नहीं बहुत सारा ऑनलाइन पे भी टेस्ट दिया था सर यश ने, तो यश ने मेरे को बोला कि सर फिजिक्स का क्वेश्चंस का लेवल कुछ कुछ जगह पे इजी लगता है कुछ कुछ जगह पे टफ लगता है, तो फिजिक्स का जो है वो हम देख रहे हैं क्या करना होगा इस साल से, हम एज्यूम करेंगे कि इस साल से लेवल सब कुछ ठीक रहेगा एज कम एज जो एनटीए वाले जो बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम रखेंगे। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि फिजिक्स का एकदम ठीक तरीके से फ्लो रहे साइनअप्स के अंदर,
तो यही बात है सर। सर ने तो बस बाकी पूरा क्लियर ही कर दिया, मतलब इस बार जिनके सबके फेयर रहते हैं साइनाउस के क्वेश्चन पेपर को लेकर, मतलब इस बार तो एक ऑप्टिमिस्टिक कंडीशन में आ जाएंगे, सब लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो वहीं पे फिर से मैं फिर से जा रहा हूँ स्नेहा के पास। हाँ स्नेहा, तो लाइक जब यहाँ पे ये पेपर्स वगैरह होता है, या जैसे कि तुम आंसर किए हो, स्कोर कार्ड एंड ऑल दैट थिंग, तो अपने जूनियर्स को, जो अपकमिंग जूनियर्स है, उनको तुम कैसे मोटिवेट करोगे, मतलब कैसे सोचोगे कि उन लोग कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? अभी जैसे कि वो लोग डेक डाला में लाइक वेदर दे शुड स्टार्ट विद रिपीट और नॉट, दे शुड ड्रॉप इट, स्कोर मिला है कि करना चाहिए, मतलब यहाँ पे तुम इसको कैसे सोच रही हो, मतलब कैसे इस चीज़ में, मतलब तुम फिर से देख रही हो कि हाँ चलो मुझे फिर से ये, उन लोगों को कैसे तुम मोटिवेट करोगी? ऐसा नहीं है कि बहुत कम आया है नंबर तो रिपीट ना करूं या करूं, एक मोटिवेशन रहना चाहिए कि मैं कर सकती हूं, मैं कर सकूंगा। तो कम नंबर आया इसलिए, इसमें कुछ बात नहीं है, तुम एनसीईआरटी पढ़ना बायो के लिए, वो बहुत ही अच्छा रहा, और बायोलॉजी को एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए, इसके बाद तुम बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी प्रैक्टिस करना चाहिए बहुत। हाँ तो स्नेहा और एक चीज़ है, हम लोग जैसे कि हम लोग क्लासेस में डीपीबी देते हैं, लाइक नॉर्मली क्लासेस में डीपीबी होते हैं, इवन क्लासेस में रेगुलर डेली हम लोग एग्जाम लेते हैं, तो और जो पेपर होता है, मतलब वो कितना सही है, मतलब वो तुम कितना रिलेवेंट कर सकती हो, मतलब वो कितना तुम्हें तुम्हारे स्कोर में हेल्प किया है, लाइक वो तुम कितना उसको कनेक्ट कर सकती हो? साइंस में तो मैं बायो के लिए ही ज्वाइन किया था पहले, बट मैं फिजिक्स केमिस्ट्री एन अदर इंस्टीट्यूट से करती थी, लास्ट में सर बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री भी ऐड किए थे, वो एग्ज़ाम मुझे बहुत ही हेल्प किया था, सर के क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट होते हैं, तो मुझे बहुत हेल्प किया, मुझे लास्ट प्रिपरेशन उसके आगे जो भी किया था, बट लास्ट प्रिपरेशन लास्ट में एग्ज़ाम में नंबर जब बूस्ट हुआ था तो सर का बहुत ही। हाँ तो मतलब एग्जैक्टली स्टूडेंट्स भी आ रहे, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, कंडीशन वही है कि अल्टीमेट अपना फोकस सही रखना चाहिए, कहाँ से भी कहीं से भी करो दैट डजंट मैटर, खुद को सही रखना चाहिए, प्रिपरेशन में फोकस रखना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, तब ऑटोमेटिकली ये स्पाइक होगा, 200-300 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये होता है, ये स्पाइक अगर स्टूडेंट्स डेडिकेटेडली वर्कआउट करेंगे तो इतना स्पाइक आराम से होता है, और जैसे कि लाइक इस बार ऑल इंडिया रैंक बहुत ज़्यादा है, उसके लेके इतना वरी मत करना आप लोग, क्योंकि मैं उसके ऊपर एक वीडियो डालूंगा, जितना है उसके ऊपर फोकस करो, ऑल इंडिया रैंकिंग में हम लोग के लिए उतना इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग स्टेट रैंकिंग में होता है ऑटोमेटिकली ये ड्रॉप डाउन हो जाएगा, तो वहाँ से स्टेट में आ जाएगा। हाँ ऑल इंडिया के सीट्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगे इस बार, बाकी जो सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो भी जैसे तुम कर रहे हो, आप लोग कर रहे हैं, सोच रहे हैं ऑल दैट, कोई भी डाउट हो तो नीचे नंबर दिए हुए हैं उसमें आप लोग कॉन्फर्म कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, डाउट्स डालिए, हम लोग डेफिनेटली हम लोग हैं सॉल्व करने के लिए। और जैसे कि स्नेहा मेलागौर से बिलोंग करती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेलागौर से इस बार ऑलमोस्ट 3-4 लोगों को मेडिकल मिला, एक छोटा सा जगह है अगरतला त्रिपुरा में, एक छोटा सा शहर है मेलागौर शहर, जो एक फेमस है फॉर नीरमहल, वहाँ पे हम लोग जाते हैं, बहुत से फॉरेनर्स भी आते हैं वहाँ पे घूमने के लिए, वो एक अच्छा वाला जगह है, टूरिस्ट स्पॉट है हम लोगों के लिए, वो उस जगह से बिलोंग करती है, एंड वो उस छोटे से एक जगह से, उस छोटे से शहर से ऑलमोस्ट 3-4 लोगों को इस बार एक साथ मेडिकल मिल रहा है, और ये सबसे, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है उनके वहाँ पे लोगों के लिए। तो आप लोग भी जो स्टूडेंट्स वहाँ से बिलोंग करते हैं, आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो लाइक कोई भी डाउट्स हो स्नेहा से पूछ सकते हैं, और कुछ भी हो लाइक पॉजिटिवली ये आप लोग सोचिए, तो डेफिनेटली जो रिजल्ट होना है, जो रिजल्ट आप लोगों को बनाना है, बन सकते हैं, वो ज़रूर होगा, मतलब वो बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई दोराय नहीं है, आपका रिजल्ट नहीं होगा, ज़रूर होगा। तो आप लोग जस्ट फोकस रहिए, और ऐसे स्नेहा जैसे और डॉक्टर बनिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, होपफुली तुम्हारे पेरेंट्स लोग सब खुश होंगे नेहा इस रिजल्ट से। स्नेहा लाइक उसकी बहन भी है अभी इस साल 12th में, तो लाइक उसको भी थोड़ा मोटिवेट करना कि लाइक नेक्स्ट डॉक्टर बने, घर से सब डॉक्टर बन जाए वहाँ पे, यही सबका चाहत होता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट नेहा फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर, एंड लाइक वी होप दैट बेस्ट थिंग्स इज गोइंग टू कम फॉर यू, थैंक यू। अभी हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बुलाएंगे लाइक यश को। मैं एक चीज़ पहले बोल दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे आज जिनको भी यहाँ पे बुला रहा हूँ,
ऐसा नहीं कि वो लोग टॉपर्स है कहीं से, मैं उस टॉपर के सेगमेंट में ही नहीं जा रहा हूँ। क्यों नहीं जा रहा हूँ? टॉपर्स जो होते हैं वो कहीं से भी पढ़ ले वो लोग अच्छा करेंगे ही। एक एवरेज स्टूडेंट, एक अबव एवरेज स्टूडेंट्स, उनको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस जहाँ से वो लोग और अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि एक अच्छा वाला स्टूडेंट जिनको 720 और 720 मिला है, शायद वो एक्स के जगह से पढ़े हैं तो 720 मिल गया, अगर वो वाई से भी पढ़ते अराउंड 720 ना मिले तो 710 तो मिल ही जाता। तो बिकॉज ऑफ दे आर जेन्युइनली दे आर गुड, सो लाइक उनको हो जाएगा। बट जो एवरेज हो, जिनको पुश करना पड़ता है, जिनको थोड़ा डेकोरेट करके देना पड़ता है, उन लोगों का रिजल्ट बहुत इशू करता है, उन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो मैं वही चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, उसी चीज़ के मैं बोल रहा हूँ कि लाइक वो स्टूडेंट्स कैसे अच्छा करे, वो स्टूडेंट्स कैसे अपने आप को बूस्टअप करे, उसके ऊपर मैं ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ। तो यश लास्ट ईयर उसका थोड़ा ड्रॉप डाउन रिजल्ट था, बट इस साल अच्छा ही किया एज पर एसटी कैटेगरी। तो प्लीज़ यश। ऐसा कुछ नहीं है यश, ये बहुत फ्रेंडली बंदा है। तो एग्ज़ाम के टाइम पे, मतलब ये पूरा एक साल यहाँ पे रिपीट किया था, और सबसे इंटरेस्टिंगली मेरा बहुत बिल भी उठा दिया पूरा, बहुत करंट का बिल उठा दिया पूरा एक्स्ट्रा। वो क्लास करता था बट वो क्लास से ज़्यादा, क्लास जब नहीं रहता था वो पूरा दिन यहाँ पे बैठा रहता था एकदम, तो सुबह से लेके शाम तक। क्यों? घर में बैठे से सर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, यहाँ पे बैठूंगा पढ़ूंगा। एंड दैट वे ही प्रूव्ड ऑल्सो, ऐसा नहीं कि वो सिंपली बैठा रहता था, वो यहाँ पे बैठ बैठ के पूरा पूरा दिन, सारा सारा दिन, मतलब दोस्त लोगों को लेके ग्रुप डिस्कशन करना, ऐसा नहीं कि मिसलीडिंग करना किसी को, ये नहीं हुआ। वो अपने आप बैठता था, दो तीन लोगों का ग्रुप था शायद, ठीक ना? तो अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो बोलना मुझे, कि लाइक वो दो तीन लोगों का एक ग्रुप बनता था, एक बन के डिस्कशन होता था कि लाइक ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कितना इतना, मतलब एक हेल्दी डिस्कशन होता था। उससे बहुत से क्वेश्चन निकल के आते थे एंड देन वो एक रिजल्ट में कन्वर्ट हुआ। तो यश, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर ड्रीम, व्हाट एग्जैक्टली हैव प्लान्ड फॉर योर फैमिली ऑल्सो प्लान फॉर दैट, सो दैट यू हैव अचीव दैट इज इन वे ग्रेट वे। तो ये जर्नी कैसा था, मतलब कैसे ये जर्नी को एग्जीक्यूट किया कि लास्ट ईयर अराउंड 200 का कुछ स्कोर मिला, इस बार ऑलमोस्ट 240 प्लस स्कोर आ गया, तो ये जर्नी को तुम कैसे कनेक्ट करोगे? हेलो सब लोग, पहला बात तो ये जर्नी नॉट वेरी इजी वन, वेरी हार्ड वन टू बी ऑनेस्ट, और लाइक हार्ड ही था। लाइक आई एम लाइक मेरा पेरेंट्स लोग पहले बचपन में तो सब लोग ही टॉप करते थे, इसमें कोई बात नहीं, सब लोग 95-98% लेके आते थे। सो दे होप दैट आई विल बड़ा होकर मैं भी ऐसे ही बनेगा, बट यू नो टीनेज ईयर्स में थोड़ा सा शैतानी करते लोग। तो क्लास 7 से लेके 12 तक मैं मज़ा ही किया मोस्टली। इसके बाद लास्ट ईयर जब नीट दिया, फिर उसका रिजल्ट आया, आई वॉज होपिंग समथिंग टू बी ऑनेस्ट, लाइक ज़्यादा नहीं फिर भी आई वॉज होपिंग समथिंग, बट वो आया नहीं। सो उस समय जिस दिन उस लास्ट ईयर जब रिजल्ट निकला था, तब ओएमआर शीट निकला, लाइक सब कुछ ऑफिशियली निकला, उस समय मैं अपना रिजल्ट देख के, ओएमआर शीट देख के, माय पेरेंट्स दे वर कॉलिंग मी ऑफकोर्स, लाइक पढ़ता नहीं है तू, घूमता रहता है, फुटबॉल खेलता रहता है। तो उस समय जब मैं जवाब ही नहीं दे पाया, नहीं तो मैं पहले जवाब देता था बहुत, बट उस दिन मैं जवाब नहीं दे पाया क्योंकि बोलने के लिए कुछ था भी नहीं, क्योंकि उन लोग ने जो भी बोला सब सच था ना। तो उस दिन मैं बैठा हुआ था एंड इट स्ट्रक मी दैट लाइफ इज़ नॉट ईजी एंड ये एग्ज़ाम भी ईजी नहीं है जितना मैंने ईजी समझा था, बिकॉज आई एक थॉट था कि ये मैं एसटीयू करके तो मेरे पास एक एडवांटेज है, ये थॉट एकदम गलत वाला थॉट था। ये थॉट को निकालने में जान निकल गया वैसे। फिर वो रिजल्ट निकलने के बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग, माई पेरेंट्स पहले तो वो लोग भी थोड़ा सा, सर पता है ना, थोड़ा सा लाइक हर समय ताना मारता है। तब मैं भी कुछ बोल तो नहीं सकता क्योंकि ताना मारने के लिए मैंने उन लोग को चांस तो दिया है ना, कोई ऐसा नहीं है कि लाइक मेरे को 440 मिला फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, ताना मार के। तो लोग ताना मारे। इसके बाद मैं धीरे धीरे पहले ऑनलाइन, मैं पूरा जब मैं पहला रिपीट करने वाला था, मैं सोच के रखा था कि मैं ऑनलाइन करूँगा पूरा,
बट मैं ऑनलाइन मैं मेरे पेरेंट्स को भी बोला कि मैं ऑनलाइन करूँगा, बट यू नो एट दैट टाइम ऑल्सो दे न्यू वट वॉज राइट फॉर मी एंड दे पुश्ड मी. वो लोग बोला नहीं, अगर तेरे को रिपीट करना है तो तेरे को ऑफलाइन रखना पड़ेगा कैसे भी करके. तो मेरा दोस्त है इधर में हीलियम, सब पता है ना, तो उसने मेरे को बोला कि साइनअप्स में आने के लिए, तो मैं साइनअप्स में आया. एंड टू बी ऑनेस्ट बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ रियली, बिकॉज जितना भी स्कोर आ रहा है इट्स नॉट यू नो मार्वलस स्कोर, बट जितना भी आ रहा है सर नहीं होता तो नहीं होता, सचिन मुझे रुला देगा सर. ये सर नहीं होता फिर साइनअप्स इंस्टीट्यूट नहीं होता, तो आई कैन गारंटी यू मेरा 400 भी पार नहीं होता. इट्स एंड इट्स ट्रू क्योंकि वो लोग ने मेरे को लाइक इज देयर ओन यू नो लेके सपोर्ट किया. रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है, वो तो पूरा इमोशनल हो गया, एक तो रो देगा. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली पूरे नीट के टाइम पे इसके पास यही मोबाइल था, मतलब ये नहीं ये दूसरा क्या है, बट ऐसा जैसा ही था, एक सेम कंपनी की पेड मोबाइल था. मतलब ये पूरा डिस्ट्रैक्शन हटा देने के लिए, लोगों से डिस्ट्रैक्ट, मतलब क्योंकि अगर रहेगा व्हाट्सअप होगा ये सब होगा, इन सब चीज़ों को दूर रखने के लिए बस ये ऐसा कीपैड मोबाइल वो लोग यूज़ किए. ऐसे बहुत से नंबर थे, मतलब यहाँ पे चार पाँच, शाइन जो था शाइन के पास भी ऐसे ही मोबाइल था, नेमार का आएगा उसके बाद भी यही मोबाइल था. मतलब ऐसे लोग ये सब मोबाइल लेके यूज़ किए, एंड बहुत से लोगों को मोबाइल था भी नहीं, दे आर कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट पार्ट. मतलब अपने आप को एक जगह पे रखने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, दैट इसके लिए नहीं, ये नहीं कि लाइक ये लोग ये मोबाइल यूज़ किए तो तुम्हें भी ये करने से तुम्हें नीड मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स लाइक दे हैव चूजन दिस पॉय, नाउ योर वे विल बी डिफरेंट. जिसके पास सेल्फ कंट्रोल होता है वो तो लाइक एप्पल का मोबाइल रख के भी कंट्रोल कर सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द सेल्फ कंट्रोल. और यश का सबसे अच्छा बात था, मैं एक चीज बोलूंगा उसको, लाइक वो आज 462 स्कोर में है, नीट मिलेगा डेफिनेटली, कुछ ना कुछ मेडिकल मिलेगा, जिम्स श्योर है, रिम्स भी हो सकता है होपफुली. बट सबसे अच्छा बात है सुनता था बात, मतलब जहाँ पे उसका फॉल्ट है वो एकदम सुनता था सर यहाँ पे फॉल्ट है, और जहाँ पे वो करेक्ट था वो आर्ग्यू भी करता था. एंड दैट हेल्दी आर्ग्यूमेंट एक रिजल्ट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट होना चाहिए तब पता चलता है तो स्टूडेंट पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है. अगर मैंने कुछ एक बोल दिया कि हाँ चलो इतना है यही करेक्ट है, अगर तुम आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे इसका मतलब है तुम बिलीव कर ले रहे हो, मतलब तुम पढ़े ही नहीं हो. अगर तुम आर्ग्यू करोगे मतलब तुम्हारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, तुम शेयर कर रहे हो, वो इंटरेक्शन होगा, एंड दैट वे वो अच्छा वाला बेस्ट रिजल्ट निकल के आता है. और इसने भी वही किया, ही वॉज नॉट अ लाइक टू मच स्टूडियस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स और लाइक टू मच पोलाइट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स और पढ़ाकू वाला गुड्डी गुड्डी स्टूडेंट्स, वैसा नहीं है. वो एक ऐसा बंदा है जो कॉमनली 98% बंदे होते हैं, ये कॉमन मैन है, इसलिए मैं उसको बुलाया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना आज मैं जिनको भी यहाँ पे बुला रहा हूँ, ऐसा नहीं कि स्नेहा जो आई थी वो बहुत इंट्रोवर्ट है, वो किसी के साथ बात नहीं करती है, मतलब वो एकदम चुपचाप रहती है, बट जहाँ पे रिजल्ट बोलना है, मतलब जहाँ पे बोलना है वहाँ पे बोल दिया उसने, वहाँ पे अपना दिखा दिया. शाइन जैसा था वो एक अलग से टाइप का था, वो पहले फ्रेंड फ्रिकर्स था, फ्रेंड को लेके फ्रेंडशिप एंड ऑल उसका बहुत बड़ा ग्रुप था, जो नीट के टाइम पे वो अकेला बंदा हो गया, किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं था, मतलब वो डिपेंड ऑन दैट, मतलब वो कुछ अलग अलग चीज़ें होती. इसलिए मैं अलग अलग लोगों को यहां पे ला रहा हूं आज, जो तुम लोग कनेक्ट कर पाओ इस चीजों को. तो ये बोलो कि लाइक यश, क्योंकि तुम एज सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब एक कॉमन जनरल फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, जहां पे हर कोई किसी का एक स्ट्रेंथ रहता है कि मैं एंजॉयमेंट करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा. तो लाइफ में तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड के एक साल तो है भी नहीं, इस बार तो बहुत कम हो गया और टाइम, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को करना क्या चाहिए, और करने के बाद साइनअप्स के जो टेस्ट सीरीज़ है, साइनअप्स के क्लास टेस्ट है, DPPs है, ये तुम्हें कितना तक हेल्प किए इस रिजल्ट तक पहुँचने में? फर्स्ट ऑफ ऑल ये वन ईयर तो यू नीड टू सेक्रीफाइस इट, लाइक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. लाइक मुझे भी लाइक मैं बहुत एथलेटिक बंदा है, मेरे को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, और मैं लाइक मोस्ट ऑफ माई लाइफ हर दिन मैं जाके स्पोर्ट्स ही खेला, बट जितना मेरे को स्पोर्ट्स पसंद है उससे ज़्यादा मेरे को यू नो सक्सेस और अचीवमेंट भी पसंद है. तो मेरे को एक साल तो मैं जान लगा के मैंने दम दिया, क्योंकि मेरे को पता है मेरे अंदर इतना लाइक यू नो क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन स्टोर करने का कैपेसिटी नहीं है, और ये एग्ज़ाम ही ऐसा है कि इन्फॉर्मेशन ही स्टोर करना है. सो इट वॉज ओनली रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन
और कुछ नहीं। और एज पर साइनप्स का टेस्ट सीरीज, हाँ हम लोग ने दिया था टेस्ट सीरीज, लाइक पहले पहले में जब दे रहे थे, पहले पहले तो आता भी नहीं था कुछ भी, तो उसके लिए भी मार्क्स कम आता था। बट इसके बाद जब धीरे धीरे पढ़ा, फिर हम लोग को लाइक धीरे धीरे समझ में आता है ना कि क्वेश्चन का लेवल कितना होता है। सर का क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई है, लाइक बहुत हाई, जेन्युइनली हाई। बायो का लोग बोलते हैं क्वेश्चन कम होता है लेवल, ना बहुत हाई है, कुछ ज़्यादा खतरनाक है। और मैं साइनअप्स का भी लिया, और सबसे अच्छा बात जो मुझे लगा सर का कि लाइक अनएक्सपेक्टेडली सरप्राइज टेस्ट ले लेते हैं वो, कभी भी जब मन करेगा ले लेगा, कभी क्लास के पहले, क्लास के बीच में, या फिर क्लास के बाद। तो वो एक लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक क्विक रिकैप टाइप का था, जो दिमाग में हम लोग को फोर्स करता था कि हम लोग को ये वापस याद करना है, तो वो बहुत अच्छा लगा। और साइनअप्स का टेस्ट सीरीज़ के साथ मैंने नीट प्रेप का भी लिया था, एंड नीट प्रेप का जेन्युइनली मुझे लगा कि बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है उसमें, और उससे स्कोर लाइक डेवलप हुआ। और मैं लास्ट में देना शुरू किया तो उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ, क्योंकि लास्ट में जब मैं दे रहा था मेरा 420 प्लस आ रहा था सब में, तो मैं जेन्युइनली कॉन्फिडेंट था कि एक नीट एग्ज़ाम में भी अगर हार्ड से हार्ड पेपर आने से भी मैं 430 एबव तक स्कोर कर लूँगा। यही था और कुछ नहीं। इट्स अ ग्रेट टॉक विथ योर, ग्रेट सेशन विथ योर यश। और एक चीज़ है, मतलब मैं इन सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि लाइक वो सब कुछ बंद करके पढ़ाई किया था इस एक साल में, वो मस्ती भी किया, बट वो एक चीज़ उसमें था ना, जेन्युइनिटी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, जेन्युइन बंदे। वो करता क्या था, वो बोल के करता, सर आज मैं एन्जॉय करूँगा, एन्जॉय मीन्स दूसरा कुछ नहीं, आज मैं सर खेलूँगा, आज मैं डांस करूँगा, आज मैं सर पिकनिक जाऊँगा। बट वो आज अगर एक दिन स्पेंड करता था, नेक्स्ट तीन दिन बिना सोए उस चीज़ को कवर भी करता था। रात को एक घंटे का पावर नैप ले लिया, दो घंटे का पावर नैप ले लिया, बाकी चार पाँच घंटा पढ़ के उस एन्जॉयमेंट को कवर करता था। मतलब मैं एन्जॉयमेंट आज एन्जॉय कर दिया, क्योंकि आज का टाइम तुम्हें कल नहीं बैक मिल जाएगा, परसों तुम्हें फिर से नहीं मिलेगा, वो मिलेगा नहीं तुम्हें। बट जो टाइम है, जो है, उसको फिर से यूज़ करना, दैट इज़ द मेन थिंग। मतलब वो बैक करना एंड ऑल दैट, वो उसने किया था, जो जेन्युइनली इट वॉज अ ग्रेट थिंग। मतलब वाट ही हैज़ डन, वो करता था बट उसको रिकवर भी करता था, और उसके कारण ही उसका इतना अच्छा कुछ रिफ्लेक्शन आया। तो ऑल द वेरी बेस्ट यश फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। एंड मैं बार बार वही बोलूँगा, जैसे पढ़ाई के टाइम पे अपने अपने दोस्त लोग को हेल्प करते थे, अपने जूनियर्स को भी हेल्प करना। श्योर, और बोलना चाहता है कुछ लाइक ये मोस्ट प्रोबेबली लाइक जनरली बोल रहा हूँ, बट लाइक एसटी स्टूडेंट्स उन लोग को टारगेट कर रहा हूँ मैं, कि लाइक हम लोग के पास, हम लोग ने बनाया नहीं रूल, बट वी हैव एन एडवांटेज राइट। सो डिटर्मिनेशन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ, ये दोनों चीज़ के साथ अच्छे से एक साल यू नो गिव इन टू दिस एग्ज़ाम, एंड आई विल मेक श्योर दैट यू विल नॉट रिग्रेट दैट डिसीजन। या इट्स वेरी गुड। उसने ब्लास्ट में बहुत ही अच्छा बात बोला, मतलब किसी भी चीज़ को ग्रैंड मत करना, मतलब ये मेरे पास है तो मुझे मिलेगा ही, बस ऐसा मत सोचना, क्योंकि अभी एसटी हो एससी हो सब में कंपटीशन बहुत हाई है। तो अगर मैं वो सोच के बैठा रहूँगा मेरे पास तो एक गोल्डन स्पून है, लाइक एनी टाइम आई कैन यूज़ इट, वो होगा नहीं। यू हैव टू प्रूव इट, और प्रूफ तभी होगा जब तुम जनरली वर्कआउट करोगे। तो इसने भी बहुत किया, तो उसी अकॉर्डिंगली मैं बोलूँगा, कोई भी जूनियर अगर तुम्हें, तुम्हारे से हेल्प लेना चाहे तो ज़रूर हेल्प करना, और एक अच्छा डॉक्टर बनोगे आई एम वेरी मच श्योर, बिकॉज यू आर इन दैट टाइप ऑफ गाय के लाइक अच्छा करोगे ही। और अब जैसे हो वैसे जेन्युइन बनकर रहना, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा बनोगे। थैंक यू सर। अभी हम लोग बुला लेंगे नेमार्क देबोर्मा फ्रॉम जिरानिया, वो केवी जिरानिया बिलोंग करता है एनआईटी, केवी एनआईटी। वो एक रिपीटरी है, लाइक लास्ट ईयर भी उसको 333 स्कोर मिला था, 342, एंड उसके बाद इसने इस बार 458 स्कोर किया है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जेन्युइनली मैं बहुत हाई फाई नंबर्स को मैं पिक नहीं कर रहा हूँ, इन लोगों का भी होगा, हाई फाई नंबर्स वाले लोगों का भी इंटरव्यू होगा ज़रूर,
मैं लूँगा दूँगा आपके YouTube में आएगा वो, बट आज मैं ले रहा हूँ जेन्युइन कॉमन स्टूडेंट्स, मतलब उनके साथ तुम लोग लिंक कर पाओ। तो ये जो बंदा था इसको मैं क्यों बुला रहा हूँ, इस हर किसी का एक रीज़न है। ये पहले सोच रहा था कि ऑनलाइन में मैं रिपीट कर लूँगा, ऑनलाइन करूँगा, और उसने किया भी था, दो महीने उसने ऑनलाइन भी किया था, शुरू किया था ऑनलाइन करना, एंड देन सडनली एक टाइम के बाद ऑनलाइन बंद करके वो पूरा कवर ऑफलाइन में आ गया। एंड दैट वॉज लुक, मैंने ही बोला था उसको, शायद मैंने ही बोला था। तो एंड मोस्ट और एक चीज़ है, लाइक जो यहाँ पे दिखाई दिया, जो इसके यहाँ पे और एक चीज़ दिखाई दिया कि लाइक वो सेल्फ इवोल्यूशन क्वेश्चंस को लेके बहुत करता था। मतलब कहीं एक पेपर लिख लिया, पेपर में कहीं पे कुछ गलती हो रहा है, वो उस क्वेश्चन को एक पेपर में फिर से लिख ले रहा था, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली ही उसने पूरा का पूरा उसको फिर से रिवाइज करा, एंड देन कहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व की। इवन मोस्ट इंटरेस्टिंगली एक साथ हुआ उसके साथ, एग्जाम से ठीक दो दिन पहले वो आया था एक पेपर लेके, उसमें बहुत से क्वेश्चंस थे, बहुत से ऑलमोस्ट 60-70 क्वेश्चंस होंगे शायद, हर एक चैप्टर से दो तीन ऐसे चैप्टर, और इंटरेस्टिंगली उस पोर्शन से बहुत से क्वेश्चन भी नीट में कॉमन आ चुके थे उस पेपर से। मतलब अभी ये क्या बोलूँ पता नहीं, बट दैट वॉज एन थिंग। तो ऐसे भी होते हैं कुछ चीज़, बट जेन्युइनली ही वर्क्ड हार्ड, और उसको पता था कि उसका लिमिटेशंस क्या है, कि उसका फिजिक्स सही नहीं है। सो वो पहले से फिजिक्स में गया ही नहीं, इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, वो पहले केमिस्ट्री और बायो में ही फोकस किया, केमिस्ट्री बायो को सॉल्व किया, ख़त्म किया सिलेबस, एक दो बार रिवीजन किया, देन लास्ट में जाकर फिजिक्स पकड़ा, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं फिजिक्स पकड़ूंगा भी तो फिजिक्स में मैं बहुत कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पाऊंगा। एंड दैट्स व्हाट, वो फिजिक्स को अपना लिमिटेशन वो समझ लिया, एंड लिमिटेशन अकॉर्डिंगली उसने अपना बेस्ट प्रोवाइड किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस रिजल्ट। तो AGM से ज़रूर मिल जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी ऊपर नीचे कॉलेज जो भी है वो डिपेंड ऑन द नेक्स्ट वन। तो इंटरेस्टिंगली एक चीज़ मैं जो यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि फिजिक्स को इतना तवज्जो ना देना, मतलब ये डिसीजन क्यों था? मतलब केमिस्ट्री और बायो को लेके तुम फोकस किया, शायद फिजिक्स बायो में शायद 340 कुछ 340 स्कोर आया, एंड केमिस्ट्री में 100 अराउंड स्कोर आया, मतलब वो इतने भी लिमिटेशन में था। फिजिक्स को क्यों इतना फोकस क्यों नहीं किए थे? खुलम का चौथा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल माई नेम इज़ नेहमाक देव वर्मा। अगर आप मुझे ठीक से समझना चाहते हैं तो मैं आपका बिलो एवरेज स्टूडेंट आप कह सकते हो। तो मेन रीज़न मैं आपको अपनी छोटी सी एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। मैं 10वीं तक एक गांव के स्कूल में था, फिर 11-12 में मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला कि मैं KV में पढ़ सकूँ, और उसी समय से मेरा नीट की जर्नी भी शुरू हुई। लाइक मैं पहली बार मैं गांव से टाउन आया, टाउन आकर मैं पहली जगह जहाँ पे आया वो था साइनेप्स में आया। मैं समझा, मतलब मैं गांव से था, मुझे कुछ अता पता नहीं था कि ये नीट क्या होता है, मुझे बस पता था कि लोग डॉक्टर बनते हैं किसी एग्ज़ाम दे के ऐसे वैसे। फिर मैं आया, मुझे गाइडेंस मिला, और इंटरेस्टिंगली मैं कहता हूँ मेरे बोर्ड्स अच्छे गए, लेकिन मुझे पता था मेरा पहली बार में मेरा नीट नहीं निकला है, बिकॉज मुझे अपने उस लिमिटेशन को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि मुझे कहाँ पे रुकना है। फिर रिजल्ट आया 340 के अराउंड कुछ था, फिर मैं भी मायूस हो गया उस दिन, बिकॉज एक चीज़ को मैंने 2 सालों तक अपनी मेहनत से अचीव करने के लिए की थी, लेकिन वो हुई नहीं। फिर कुछ दिनों बाद मैं सर के यहाँ आया काउंसलिंग करने के लिए। सर, मैं सर को बोल रहा था कि सर ये सब मुझसे नहीं होगा, मैं गांव का ऐसा बंदा हूँ, मैं कहीं किसी VSC VDS में घुस जाऊँगा। फिर सर ने मुझे कहा कि एक मौका दो, और सर की इस बात से मैं तब भी खुश नहीं था, मैं तब भी खुद पे विश्वास नहीं था, लेकिन फिर मैं घर गया। फिर मैं कहूँगा कि मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा था, आई वॉज रेज्ड अप इन अ वेरी हम्बल एंड काइंड फैमिली। रिजल्ट के दिन जब मेरा स्कोर कम था, मेरे पापा ने मुझे गुस्सा नहीं किया, उन्होंने कहा जिंदगी में और रास्ते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं मेरे भैया का भी एक रोल था, उन्होंने मुझे एक चीज़ रियलाइज़ करवाया कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं बड़े होकर क्या बनना चाहता हूँ। फिर उस दिन से मुझे रियलाइज़ हुआ कि बनूंगा तो एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा, वरना कुछ नहीं बनूंगा। फिर नीट की जर्नी शुरू हुई। जैसे सर ने कहा, मैं 2 महीने फिर मैं ऑफलाइन भी ज्वाइन नहीं किया, मैं ऑनलाइन पकड़ रहा था, क्योंकि
सभी ऑनलाइन, मैं वो 2030 के अब मतलब 30 के रिजल्ट आप देख लो, सभी बोल रहे ऑनलाइन में ऐसा हुआ ऑनलाइन में, मैंने भी चेक किया दो महीने, लेकिन मैं समझ गया कि वो चीज़ें ना कुछ एक्सेप्शन लोगों के लिए होते हैं, मुझ जैसे बिलो एवरेज लोगों के लिए एक वो चाहिए, पुश चाहिए जो सर ने मुझे दिया, वो दैट वॉज मेन इम्पॉर्टेंट। एंड द सेकेंड थिंग वॉज लिमिटेशन, जैसे सर ने कहा मैं फिजिक्स क्यों नहीं पकड़ा, बिकॉज मेरा फाउंडेशन मैथ्स ख़राब था एकदम, लाइक एकदम ख़राब आप सोच सकते हो। फिर फिजिक्स एक ऐसे पॉइंट पे मुझे समझ में आ गया, अगर ये होगा तो कुछ चीज़ें होंगी उससे ज़्यादा नहीं। तो मेन क्या था, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी केमिस्ट्री मिला के 540 मार्क्स है, अगर 540 मार्क्स में अगर मैं 500 के पास भी पहुँच गया तो देट वॉज सफिशियंट एस एस टी आई एम स्पीकिंग, बट एस अदर कैटेगरीज देर आर डिफरेंट लिमिटेशंस, बट आई फील लाइक आई हैव टू स्पीक आउट वॉट आई नीड टू एग्जीक्यूट इन टाइम। जो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने पहली जब अटैम्प में मेरा एग्जीक्यूशन सही नहीं था, एंड द इम्प्रूवमेंट इन द सेकेंड टाइम, दिस टाइम द एग्जीक्यूशन वॉज परफेक्ट, व्हाई प्रैक्टिस, सर के यहाँ प्रैक्टिस, सर ने जो कहा नीट प्रेप के जो प्रैक्टिस, सर से लाइक एग्जाम से पहले आई कैन डेफिनेटली से आई गिव ऑलमोस्ट 80 मॉक टेस्ट, 80 to 90 मॉक टेस्ट, कहाँ से सर के यहाँ से नीट प्रेप के सारे कलेक्ट करके घर पे दिए, सेंटर में दिए, और इट वॉज नॉट लाइक कि बस देना है, एग्जीक्यूट करो, क्वेश्चन को कहाँ पे गलती हो रहा है वो देखो, फिर बुक में जाओ, बुक में देखो कि क्या लिखा है, आप बुक से कनेक्ट करो। लाइक इस साल के कुछ एक क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, कॉकरोच एक क्वेश्चन था, एनल स्टाइल या फिर एनल सर का वो एक क्वेश्चन था, बुक में दिया नहीं था कि कौन से सेगमेंट में, बुक में बस दिया था मतलब स्टाइल या सरकाई में से एक दिया था कि 9 सेगमेंट पे, लेकिन आंसर 10 वाला था, वो सेम क्वेश्चन में सर के लाया था कि सर ये तो है बुक में तो दिया है, कहाँ दिया है वो तो पता नहीं, फिर वो चेक किया, फिर बाय गॉड आ गया, एग्जाम में लग गया वो आंसर, उससे 5 मार्क तो भरा एटलीस्ट, उससे तो भरा। सो दैट वॉज थिंग, एंड दैट वॉज अ थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, there are some things that we have to execute in life to perform better and to perform great. Neymar ne to bahut kuch bol diya, matlab 80 full test bhai, 80 full test, 80 to 200 1600 questions usne solve kiya, it's a great achievement dear. To like bahut hi bada cheez hota hai, like 16000 at least 200 each question, तो 5 to 1000 होता है, मतलब 80 क्वेश्चन, मतलब ऑलरेडी 1600 सिर्फ 16000 क्वेश्चन यहाँ से ही, बाकी तो बाकी पूरा है, मतलब बहुत कुछ अचीव किया नेमार। और जो इसने बोला ना, मतलब बींग ए एस टी, नॉट फॉर एवरी वन, इज एस टी अकॉर्डिंगली उसने अपना लिमिटेशन समझा कि लाइक 540 में अगर मेरा यहाँ पे अप टू 500 तक भी मेरा एग्जीक्यूट हो जाता है तो मेरा एक सीट तो श्योर है, पक्का है, एंड दैट वे ही हैव एग्जीक्यूटेड एंड ही हैव डन दिस ग्रेट थिंग। एंड बेसिकली उसके मम्मी पापा भी आज बहुत खुश होंगे क्योंकि बेटा 2 साल वर्कआउट किया एंड लाइक अभी एक सीट तो बन रहा है, मतलब गवर्नमेंट कंडीशन में एक मेडिकल पढ़ने वाला है, तो वो जिस गांव में बिलोंग करता है शायद वही पहला वाला बंदा होगा उस गांव से कि लाइक डॉक्टर बन रहा है, तो उस गांव के लिए भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, उसके फैमिली के लिए भी है, क्योंकि डॉक्टर एक खुद नहीं बनता है, उसके साथ हज़ारों इंस्पिरेशन रेडी करते हैं, हज़ारों फॉलोअर्स रेडी करते हैं, तो एक डॉक्टर बनना मतलब एक डॉक्टर खुद से नहीं बनना है, एक डॉक्टर जब कोई बनता है ना उसके अकॉर्डिंगली पता नहीं कोई मुझे भी फॉलो कर रहा है और उसको वो फॉलोअर्स इंस्पिरेशन रेडी करना है, तो एक डॉक्टर में तो बहुत बड़ा चीज़ होता है कि एक डॉक्टर जब बनेगा ये फॉलोअर्स रेडी करना है, उसके अकॉर्डिंगली पीछे जाना है, चलना है, तो वो यहाँ पे नेमार ने दिखा दिया। तो इट्स एन वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन नेमार, एंड फॉर द अपकमिंग फ्यूचर ऐसे ही बने रहो और अपने गांव के लिए बहुत कुछ करो, एंड जैसे कि ये बहुत मानता है अपने गांव के हर एक लोगों को, बहुत मानता है, इंस्पिरेशन बहुत मानता है, बोला कि मैं बड़ा होकर उनके गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ, सो लाइक डेफिनेटली यू कैन डू इट, एंड लाइक ऐसे ही बने रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। अभी मैं प्रशंजीत को बुला रहा हूँ, प्रशंजीत कोरमोकार फ्रॉम JNV, स्पेशली वो पहले JNV बोंदवार में था एंड देन फ्रॉम अगरतला आके वो क्लास ज्वाइन किया, अभी प्रशंजीत कोरमोकार फ्रॉम उदयपुर, लाइक इसने लास्ट ईयर अराउंड 503 स्कोर किया था, बट इस साल उसने 625 स्कोर किया, मतलब ऑलमोस्ट 225 उसने इंक्रीज किया है, और ये पूरा का पूरा मेहनत इसने ऑनलाइन में किया है। मैं इसलिए बोला हर एक टाइप के स्टूडेंट्स को मैं बुला रहा हूँ यहाँ पे, ये पूरा कंप्लीट लास्ट टोस्ट 2 ईयर 11th 12th वो पूरा का पूरा ऑफलाइन में था, बट इसने
एक साल पूरा ऑनलाइन में किया एंड देन लास्ट में आके नीट प्रेप का टेस्ट ही ज्वाइन किया एंड दैट वे वहाँ पे जितना उसका स्कोर ऑलमोस्ट आता था वही स्कोर ऑलमोस्ट लाइक मेन पेपर में भी था. तो एग्जैक्टली बाकी लोग बोल के गए मेरा ऑनलाइन में नहीं हो रहा था, मैं ऑफलाइन पे आके पढ़ा, इसने ऑफलाइन ड्रॉप करके ऑनलाइन में किया. तो डिपेंड्स ऑन दैट, मैं हर एक टाइप कैटेगरी के स्टूडेंट्स बुला रहा हूँ क्योंकि डिटर्मिनेशन वो मैटर करता है, डेडिकेशन मैटर करता है. तो प्रशंजीत फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन अच्छे स्कोर के लिए, बट लास्ट ईयर का जो कट ऑफ ऑल इंडिया का था, ऑल इंडिया का रैंकिंग था, उसके अकॉर्डिंगली इस बार बहुत गंदा हो गया है, बहुत कुछ स्कैटर्ड हो गया है. तो नहीं बोल सकते इस बार कि हाँ इसी स्कोर में ऑल इंडिया का बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, बट एनीवे मेडिकल मिलेगा अच्छा वाला रिम्स. उसके भाई जहाँ से पढ़ा है, उसका भाई भी डॉक्टर है, तो उसके भाई जहाँ से बिलोंग करता है शायद वो भी रिम्स मिल जाए उसको, तो यही एक्सपेक्टेशन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रशंजीत बोलो अपने जूनियर्स को कि लाइक कैसे ऑनलाइन में मैनेज, कि बाकी लोग बोले कि ऑनलाइन में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या तुम्हें डिफरेंस लगा, तुम उसको कैसे एग्जीक्यूट किए, कैसे स्कोर में उसको कन्वर्ट किए? मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन से होगा ऑनलाइन, मतलब जैसे भी पढ़ो कि मतलब पढ़ना है बस इतना ही है. मतलब एनसीईआरटी को कवर करना है पूरा, मतलब लाइन बाय लाइन, अभी मतलब पूरा एनसीईआरटी है अभी, मतलब बाहर से आता ही नहीं है अभी, पूरा एकदम ऑनलाइन मतलब एनसीईआरटी से कर दिया अभी. तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, मतलब तुमने ऑफलाइन से प्रिपेरेशन किया या फिर ऑनलाइन से किया. इसने बहुत अच्छा बात बोला, मतलब कहीं से भी करो पढ़ना है, फोड़ना है, ये डिटर्मिनेशन रहना है. तो जैसे कि तुम ऑनलाइन में किए हो, लाइक फिजिक्स में कितना कुछ आया स्कोर? फिजिक्स में मेरा 150 आया और केमिस्ट्री में 160 एंड बायो में 315. बायो का कम आ गया यहाँ पे, बायो थोड़ा लोचा हो गया. अगर बायो का यहाँ पे, हाँ बॉटनी में लाइक बायो का अगर यहाँ पे 15-20 मार्क्स थोड़ा आ जाते तो एक ऑल इंडिया का अच्छा खासा रैंक आ जाता था, बट वही कि इस बार तो बहुत ड्रॉप्स एंड डाउन देखा गया, मतलब एक मार्क्स के डिफरेंस में ऑलमोस्ट 1000 रैंक का ड्रॉप. तो इस बार तो ये कुछ अलग ही बन रहा है. तो नेक्स्ट ईयर शायद एनटीए को बोलना होगा कि भाई जो लोग 720 में 720 ला रहे हैं उनका नीट मतलब एम्स दिल्ली श्योर नहीं है, एक्स्ट्रा जो 5-5 क्वेश्चन रहते हैं उसको भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उनमें से जिनका अच्छा आएगा उन लोगों को एम्स दिल्ली मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा. तो एनीवे दैट इज, घर में तो शायद सब कुछ खुश है. तो नीट प्रेप का एग्जाम तुम्हें कितना हेल्प किया इस एग्जाम के कंडीशन में? मतलब अभी ऑनलाइन में तो पढ़ना, मतलब देखना पड़ेगा ना कि ऑफलाइन में कितना मार्क्स आता है, कि एक बार ऑनलाइन से प्रिपरेशन कर लिया, मैंने एग्जाम भी दिया वहाँ पे भी अच्छा आ रहा था, तो मतलब ऐसे ही चेक करना था कि ऑफलाइन में भी ऐसा आता है कि नहीं मार्क्स, तो इसलिए मैंने नीट प्रेप का दिया. और बहुत क्वेश्चन बहुत अच्छे थे नीट प्रेप के, एकदम नीट लेवल के थे, मतलब उससे थोड़ा हार्ड. मतलब रिलेवेंटली कितना क्वेश्चन कुछ आया, मतलब नीट के एग्जैक्ट रेप्लिका पेपर बोल सकते हैं हम लोग? हाँ थोड़ा बहुत, थोड़ा इजी हुआ लेकिन सेम ही है थोड़ा बहुत, मतलब सेम मतलब थोड़ा सेम ऑलमोस्ट सेम ऑलमोस्ट सेम. और प्रैक्टिस मतलब कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, मतलब डीपीपीज हो या क्वेश्चन, मतलब कितने हजारों क्वेश्चन, क्योंकि तुम लोग मुझे पता है 40-50 ज्यादा क्वेश्चन तो करोगे, मतलब कितने हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे? अभी मतलब ये तो काउंट नहीं किया मैंने, तो बहुत सारे किए, मतलब क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना वही है बस. कितना होगा ऑलमोस्ट, मतलब 40-50 हजार हो जाएगा? इतना तो हो जाएगा, मतलब ओवरऑल करे तो 40-50 हजार क्वेश्चन. भाई अभी ये कहाँ पे जाके रुकेगा, ये लोग इतना मेहनत किए उसके बाद जाके इतना आया. तो इफेक्टिवली और बहुत कुछ, मतलब ये बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा है, चुपचाप रहता है, उतना घुलता मिलता नहीं किसी से के साथ, बट अपने काम पे फोकस रखता है. तो इसका भाई भी रीम से डॉक्टर बना है, तो अभी शायद अगर सबका आशीर्वाद रहा तो शायद इस बार ये भी जाएगा रिम्स में, तो वहाँ से ही डॉक्टर बनकर निकलेगा. तो एक पेरेंट्स को और क्या चाहिए, मतलब दो बेटे, दोनों बेटे डॉक्टर और सेम कॉलेज, लाइक उससे इससे खुश क्या चीज़ हो सकता है? तो लाइक दे हैव अचीव्ड अ ग्रेट थिंग एंड दे हैव डन अ रियली ग्रेट वर्क. तो आप लोग बस, ये लोग बहुत अच्छे बंदे हैं, मतलब बहुत हेल्पफुल है, कुछ भी हेल्प चाहिए आप लोग उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो लोग ज़रूर हेल्प करेंगे. जैसी तरह मतलब उन लोगों ने अपना स्कोर इम्प्रूव किया तो आप लोग अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए चेकआउट कर सकते हैं इनके साथ. सो ऑल द वेरी बेस्ट प्रशंजीत, और अच्छे से करो, सामने बहुत लंबा रास्ता है, MD वगैरह है, तो उसके लिए भी अच्छा प्रिपेयर करना है, ठीक ना? चलो बैठो थोड़ा. अभी हम लोग बुलाते हैं एक गाँव का लड़का जहाँ से वो बिलोंग करता है, अभिलाष देवबर्मा. वो जिस स्कूल से होता है वो एक बंगाली मीडियम, एक विलेज का स्कूल है बंगाली मीडियम,
जहाँ से मतलब लोगों को अपने लोकल लैंग्वेज, लोकल मतलब यहाँ पे अगर त्रिपुरा का तो मेनली चलता है बांग्ला, उसके बाद कोकबोरोक, तो उस बांग्ला में भी बात करना अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत डिफरेंट होता है। हाँ, इसको आता है डेफिनेटली, वो हिंदी भी जानता है बहुत, बट उन जगह से बिलोंग करके, उसके साथ उसके स्कूल से ऑलमोस्ट 6-7 स्टूडेंट्स आए थे रिपीट करने इस बार। बट मैंने जब वो रिपीट पहले आया था, क्रैश कोर्स हम लोग करते थे क्रैश कोर्स के टाइम पे, तो मैंने बोला था कि अगर बंदा निकलेगा तो इसका निकलेगा, क्योंकि उसके पास क्वालिटी है। मैंने उसको बोला था कि रिपीट करो, मैं शायद बोला था कि आज इस बार नहीं निकला तो रिपीट करो, एंड दैट ही हैड डन दैट थिंग। तो इसके साथ 6-7 लोग आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इसका ही बना, बाकी लोगों का नहीं बना, बाकी लोग छूट गए उसके कंडीशन से। तो अभिलाष बोलो, मतलब आज तो तुम अपने गांव के सेंसेशन हो, मतलब वहां से तुम डॉक्टर बन रहे हो, मतलब तुम्हारे पापा क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछूंगा। सरकारी कर्मचारी। अच्छा, उसके पापा लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और जो एरिया बिलोंग करते हैं, मतलब एक विलेज, मतलब पूरा विलेज ही तो है ना वो, तो वहां से मतलब एक डॉक्टर बनना मतलब एक सपना होता है शायद वहां से, वही तो होगा। हाँ सर। थोड़ा जोर से बोलना, बाकी लोग यहाँ पे मैं ही सुन रहा हूँ, बाकी लोग नहीं सुनेंगे। तो वो जो एग्जैक्टली बहुत शाई टाइप का बंदा, मतलब वो आपके तरफ देख भी नहीं रहा है, मतलब वो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, तो एग्जैक्टली इसने जो हार्डवर्क किया वही सेम है लिमिटेशंस, वो अपना जानता था लिमिटेशन, फिजिक्स में लिमिटेशन है, तो केमिस्ट्री और बायो है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसने प्रिपेयर किया। तो केमिस्ट्री में हाँ अच्छा, उसका और अच्छा हो सकता था, बट उतना अच्छा गया नहीं, बट फिर भी जितना स्कोर आया एक मेडिकल सीट हो जाएगा उसके, जीएमसी हो जाएगा, दैट फॉर श्योर। सो अभी ये स्कोर करने के बाद, मतलब जब तुम शुरू किए थे, मैं तुम्हें बहुत डांटता था, मतलब बहुत डांटा, बहुत गंदे गंदे से डांटा था। अच्छा, इतना भी नहीं। अच्छा ठीक है, चलो लिमिटेशन है, सेंसर वर्ड आ जाएगा, तो मतलब उसको बहुत डांटा था, तो वो डांट और आज एप्रिसिएशन इस जगह पे आके एक नीट सीट विथ, कैसा लग रहा है, कैसा कैसा डिफरेंस लग रहा है? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ सर। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तुम अपने लैंग्वेज में बता सकते हो, कोई इशू नहीं है, बाकी सब लोग समझेंगे, तो फिर मतलब जो लोग तुम्हारे यहाँ से भी वो लोग समझ सकते हैं। तो उसको लाइक बोला कि लाइक अच्छा लग रहा है, तो तब लगता था कि जब डांटता था तब मतलब सर क्यों डांट रहे, मतलब इतना तो डांटना नहीं चाहिए था, लाइक इतना भी मैंने कुछ क्राइम नहीं किया था, मतलब तब ऐसा कुछ लगता था? नहीं सर। अच्छा, नहीं लगता था, ये अभी झूठ बोल रहा, तब लगता था, तब वो शायद उसको गंदा ही लगता था, बट अभी मेडिकल मिला है, दैट फॉर श्योर अच्छा हुआ है। तो अच्छा, मोटिवेटेड मिलता था, मोटिवेशन मतलब डांट से मोटिवेशन लेता था, मतलब कहीं ना कहीं से तो कुछ लेना होता था, एक्सट्रैक्शन था वो मोटिवेशन डांट। जैसे यश शायद एक मिस कर गया था, वो बोला कि क्लास में सर हर दिन 10-15 मिनट का एक मोटिवेशन कोर्स होता डांटने का, क्लास में आके डांटने का 15 मिनट, एंड दैट वे वो बनता था। तो वही तुम्हें वही पूछ रहा था, तुम्हारे विलेज से शायद तुम पहले वाले बंदे हो गए ना, एक डॉक्टर बन रहे हो, या पहले भी कोई बना था? मेरे गांव में एक था मेरे से सीनियर, वो बना था। अच्छा, तुम्हारे गांव से अभी तुम दूसरे डॉक्टर बनोगे, वेरी गुड। मम्मी पापा खुश है अभी इस कोर्स से, मतलब इसमें मेडिकल मिल जाएगा, या और कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो लोग? थोड़ा और एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हो जाएगा बोला। अच्छा, और एक्सपेक्ट कर रहे थे बट इससे हो जाएगा, मतलब उतनी खुशी है वो लोग। और तुम बाकी लोगों को कैसे इंस्पायर करोगे, मतलब बाकी लोगों को तुम कैसे इंस्पायर करोगे कि लाइक वो लोग भी अच्छा करें, वो लोग भी कुछ अच्छा प्लान करें, उस उन लोगों को तुम कैसे इंस्पायर करोगे, मतलब क्या बोलना चाहते हो उन लोगों को, तुम्हारे से जो जूनियर है, जो तुम्हारे स्कूल बिलोंग करते हैं, वो लोग प्लान कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलना चाहते हो, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? डेली प्रैक्टिस रिवाइज करना चाहिए, और थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, और मैंने भी सर घर भी नहीं गया, मैं 1 साल हो गया। ये बहुत बड़ा बात है भाई, 1 साल तक वो घर नहीं गया था, घर उसका विश्रामगंज जो है बहुत आसपास ही है तो अगरतला से, मतलब वो घर नहीं गया था, पूरा 1 साल अगरतला में ही बैठा रहा, विथ रिपीट करना है बस 1 साल तक, वो बहुत बड़ा चीज़ है, ये बहुत डेडिकेशन लगता है भाई, बहुत बड़ा चीज़ बोल दिया इसने, 1 साल तक घर ही नहीं गया था, नीट दे के गए थे घर, नीट दे के घर गया था, सिक्स्थ में, फिफ्थ एग्जाम खत्म हुआ, सिक्स्थ को गया, मतलब डेडिकेशन लेवल भाई, हाइट है भाई, हाइट, अरे वही शाहिन भी बोल रहे हैं, उसने भी, मतलब ये डेडिकेशन दूसरे लेवल का है लोगों का भाई, कुछ अलग सा लेवल का है, ये बहुत मानना पड़ेगा, क्योंकि वही है अल्टीमेट एंड ऑफ द डे डेडिकेशन मैटर करता है।
डेडिकेशन मैटर करता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, वो प्रूफ किया उन लोगों ने। तो वही है, तुम अपने जूनियर्स को क्या बोलना चाहते हो, मतलब कैसे करें। और एक चीज़ था उसका कि बायो को वो हर एक वीक में रिवाइज करता था, मतलब एक कर लिया फिर से एक वीक के बाद रिवाइज करता। पहले बोलता सर याद नहीं रहता है, कैसे याद रखूँ कैसे याद रखूँ, बस लास्ट में वो बोलना बंद कर दिया क्योंकि वो तब समझ में आ गया, रिविजन जब हो रहा था तब उसका हो रहा था स्कोर। बेसिकली बायोलॉजी में थोड़ा फोकस करना चाहिए मेनली, और फिजिक्स केमिस्ट्री तो हम लोग का इतना होता नहीं है, फिर भी स्कोरिंग मार थोड़ा कॉलेज मिले इतना स्कोर करना चाहिए। अच्छा 100 अराउंड इतना। अच्छा वो बोल रहा है कि लाइक जितना स्कोरिंग चाहिए मिनिमम एक उतना प्लान कर लो, लिमिटेशन अगर होगा, नहीं होगा तो सब कुछ कर सकते हो, बट जिनका लिमिटेशन है मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो अपना एक टारगेट सेट कर लो, टारगेट अकॉर्डिंगली फोकस करो तो उससे निकल सकता है, राइट। और यहाँ के टेस्ट सीरीजेस, नीट प्रेप टेस्ट सीरीज, देन DLE DPBs एग्जाम सीरीज, कैसे कितना हेल्प किया तुम्हें? पहले आपका जो साइंस वाला टेस्ट सीरीज था इससे थोड़ा मार्क्स कम आता था, फिर नीट प्रेप से थोड़ा मोटिव मिला और मार्क्स भी बढ़ने लगे थोड़ा थोड़ा, और फिर सोचा हो जाएगा बाद में। उसने वो उस बोल रहा कि लाइक पहले से सबका एक ही कॉम्प्लेन है ना, ठीक है इस बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा सब कुछ। तो क्वेश्चन थोड़ा टफ होता था, मार्क्स कम आता था, उसके बाद नीट प्रेप का स्कोर आया, नीट प्रेप का क्वेश्चन स्कोर आना शुरू किया, एंड देन वो अपना सोच लिया कि हाँ इस बार होगा, हो जाएगा। तो वही बड़ा चीज़ होता है। तो वही है आज हम लोग, आज की वीडियोस में हम लोग इतना रखते हैं, बाकी ये जितने भी आज हम लोग बात किए सबके बारे में एक एक वीडियोस में सब कुछ आता रहेगा। आप लोग कितना मार्क्स मिले उसको सोच के रिपीट मत करना, आप लोग कर सकते हो ये सोच के करना, कितना मिला है वो डजंट मैटर, तुम क्या कर सकते हो उसके ऊपर मैटर करता है। तो आप वही सोच के रिपीट करो, बाकी पूरा दुनिया आपका है, कुछ भी हो आप लोग को मिल जाएगा, बस कोई रोक भी नहीं पाएगा आपको, सिर्फ स्टे फोकस विथ योर प्लान, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, एग्जाम दो और बस अपने लिमिटेशन को समझ के वर्कआउट करो, बट समझना पड़ेगा लिमिटेशंस, मेरा क्या लिमिटेशंस है, राइट। सो टिल दैट बाय बाय, और कुछ भी प्रॉब्लम हो, डाउट्स हो तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और रिपीटर्स के बैचेस भी शुरू हो चुके हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बंगाली और इंग्लिश मीडियम के सेपरेट बैचेस होते हैं, तो You all are welcome. Thank you. Stay tuned. All the very best.